नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 13 तारा और सात भाई का अंतिम भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने काल और उसके देव जाने थे और आज के वीडियो में हम काल और उसके उपभेदों के बारे में चर्चा करेंगे। काल के भेद होते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, उनके भी भेद होते हैं। आज उसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा होगी। कुछ प्रश्न हैं काल पर आधारित, आप बताएं। निम्नलिखित वाक्यों के काल बता दीजिए। मेरी माँ पूजा कर रही थी, आप बताइए ये किस काल का वाक्य है। अगले वर्ष हम शिमला घूमने के लिए जाएंगे, इस वाक्य का भी आप काल पहचानिए, ये किस काल का वाक्य है। माली ने उपवन से पुष्प तोड़कर मंदिर में रख दिए थे, आप क्रिया को देखकर आसानी से पहचान सकते हैं ये किस काल का वाक्य है। हम सब एक साथ बैठकर दूरदर्शन के कार्यक्रम देखते हैं, इस वाक्य में भी आप पहचानेंगे कि ये किस काल का वाक्य है। पापा जी मेरे लिए कंप्यूटर लाएंगे, आप पहचाने कि जो काल आपने सीखे उनमें से कौन सा काल यहाँ पे सही है। मैं अपना गृह कार्य पूरा कर रही हूँ, इस वाक्य के लिए भी आप समय को पहचाने किस समय में ये काम हो रहा है, अर्थात किस काल का ये वाक्य है। इन उदाहरणों के साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा काल के जो भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, उसके बारे में आप पिछली बार पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ा है। आइए हम काल के उपभेदों के बारे में पढ़ते हैं। नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 13 तारा और सात भाई का चौथा भाग पढ़ेंगे, जो हमारा अंतिम भाग होगा। और पिछले वीडियो में हमने काल के बारे में पढ़ा था, काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। आज हम भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल और उनके भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भूतकाल और भूतकाल के भेदों के विषय में चर्चा करते हैं। आपने जाना कि जो समय, जो भी क्रिया बीते हुए समय में पूरी हो गई है वो भूतकाल की क्रिया मानी जाती है, लेकिन भूतकाल भी 6 रूपों में मेरे सामने आता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। तो एक सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमन भूतकाल, मतलब इन 6 प्रकार होते हैं जो हम बीते हुए समय में होने वाली क्रिया को इनमें बांटते हैं। देखिए, सामान्य भूतकाल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कमला ने खाना दिया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, सोनू ने क्रिकेट खेला, इसमें सामान्य रूप से कार्य जो है बीते हुए समय में हो गया और उससे हमें पता चल गया कि सामान्य भूतकाल की क्रिया ये है। भूतकाल का दूसरा उपभेद है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है और उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे हमने अभी अभी भोजन किया है, रमेश खेल कर आया है, विद्यालय की घंटी अभी अभी बजी है, उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं भूतकाल में तुरंत हुई हैं, अतः ये आसन्न भूतकाल है, मतलब अभी अभी असर उसका बाकी। भूतकाल का तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में बहुत पहले संपन्न होने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे 15 अगस्त सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, ये बात बहुत पहले हो चुकी है, हिस्ट्री बन गई है, तो ये पूर्ण भूतकाल की बात हो चुकी है। शाहजहां ने लाल किला बनवाया था, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तो यहाँ पे इस प्रकार की जो भी वाक्य आते हैं, इस प्रकार आप समझ जाते हैं कि ये पूर्ण भूतकाल के वाक्य हैं।
पूर्ण भूतकाल के साथ साथ अपूर्ण भूतकाल के बारे में भी समझ लीजिए। क्रिया के जिस रूप से आपको पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, परंतु यह नहीं कहा जा सकता था कि कार्य हुआ पूरा या नहीं हुआ, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रोहन पत्र लिख रहा था, माताजी फिल्म देख रही थी, विमल गीत गा रहा था, क्रिया भूतकाल में चल तो रही थी, लेकिन कितना हुई, पूरी हुई कि नहीं हुई, इस चीज का हमको नहीं पता चलता वाक्य पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल की बात होती है। उपर्युक्त वाक्यों में भूतकाल में क्रिया हो रही है परंतु पूर्ण होने का पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल की क्रिया होती है। आप संदिग्ध भूतकाल में देखें क्या होता है। संदिग्ध भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे संदेह हो कि क्रिया हुई कि नहीं हुई काल, जैसे कल तो सफाई हुई होगी, कई राजनेता भी आए होंगे, बालक सो गया होगा, तो इसमें संदेह है कि हो गया होगा मे बी, तो यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। रिक्त वाक्यों में क्रिया के पूर्ण होने में संदेह का बोध हो रहा है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल है। अब अगला देखें। हेतु हेदुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु हेदुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे रमेश अच्छी तरह पढ़ता तो उसे सफलता मिल जाती, मतलब दो क्रियाएं हैं तो आप दूसरी क्रिया पर निर्भर एक क्रिया है, तो वहाँ पे हेतु हेदुमत भूतकाल होता है। यदि बारिश न होती तो मैं अवश्य खेलने जाता, यदि किसान मेहनत करता तो फसल अच्छी होती। बीते हुए समय में दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं और एक दूसरे पर आधारित है, तो यहाँ पर हेतु हेदुमत काल भूतकाल है। अब वर्तमान काल के बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान काल के भी तीन भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल वो होता है क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान काल में करने या होने का बोध होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माली पौधे लगाता है, चील आकाश में उड़ती है। उपर्युक्त वाक्यों में माली और चील द्वारा कार्य वर्तमान काल में किया जा रहा है, अतः यहाँ होने वाली क्रिया का काल सामान्य वर्तमान काल है। और अपूर्ण वर्तमान काल में देखें क्या है। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में आरंभ होकर अभी भी हो रही है, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। एग्जाम्पल्स, सैनिक सीमा पर पहरा दे रहे हैं, विद्यार्थी पाठ याद कर रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया वर्तमान में हो रही है परंतु पूरी नहीं हुई है, इसीलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अब संदिग्ध वर्तमान काल में देखें, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने या करने का संदेह होता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे डब्बू मिठाई खाता होगा, सतीश जन्मदिन मना रहा होगा। उपर्युक्त उदाहरण से वाक्यों में क्रियाओं के वर्तमान काल में होने का पता चलता है, परंतु संदेह होता है कि ये काम इस समय हो भी रहे हैं या नहीं, इसीलिए यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल है। अब हम भविष्य काल के भेद के बारे में समझते हैं। भविष्य काल के भेद, भविष्य काल के दो ही भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप से भविष्य में होना पाया जाता है, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे स्कूल बस 5 मिनट बाद आएगी, नर्स अभी दवाई लाएगी। उपर्युक्त वाक्यों में आएगी लाएगी क्रिया आने वाले समय में होगी, अतः ये सामान्य भविष्य काल है। और संभाव्य भविष्य काल, भविष्य काल का क्या मतलब है, जो भविष्य काल में भी कार्य के होने की संभावना लगे कि कार्य होगा भी कि नहीं होगा, तो वहाँ पे संभाव्य भविष्यकाल होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है, उसे उस काल को संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हो सकता है आज मुझे दफ्तर में देर हो जाए, शायद शाम को तुम फिल्म देखने न जा सको। उपर्युक्त वाक्यों में होने वाली घटनाओं के लिए भविष्य में संदेह प्रकट किया गया है, अतः यह एक तरह की संभावना व्यक्त हुई है, इसलिए यहाँ पे संभाव्य भविष्यकाल भविष्यत्काल है। इस प्रकार हमने देखा कि काल और भविष्यकाल, इसमें भी उपभेद होते हैं और इसमें भी क्रियाओं द्वारा हम पहचान सकते हैं सामान्य है या संदेह है।
क्रियाओं द्वारा ही हमें अनुमान होता है कि क्रिया किस काल में हो रही है। आइए कुछ एक्सरसाइज करते हैं। दिए गए शब्दों के भिन्नार्थक शब्द लिखने हैं। भिन्नार्थक का मतलब एक तरह दिखने में लग रहे हैं लेकिन अलग अलग अर्थ हैं। धरा, धरा का मतलब पृथ्वी। धारा, धारा का मतलब होता है बिजली भी हो सकता है धारा का मतलब, और पानी की धारा एक यहाँ पे फ्लो का मतलब होता है, करंट का मतलब होता है, तो वहाँ पे वो धारा होती है, बहाव से मतलब होता है। पिता और पीता, पिता का मतलब आप जानते हैं फादर, पेरेंट, पिताजी, पापा, और जन्म देने वाला जनक, और पीता का मतलब ड्रिंक करना, किसी चीज को निगलना, तो वहां पे पीता का मतलब होगा। नीर, नीर का मतलब पानी, नीर का मतलब घर। अचार, अचार जो आप आम का अचार और नींबू का अचार खाते हैं वो अचार, और आचार का मतलब होता है व्यवहार। संस्कृति, संस्कृति का मतलब होता है जो हमारी जो रीति रिवाज हैं, भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, और संस्कृत एक भाषा है, संस्कृत भाषा। अभिराम, अभिराम माने अत्यधिक सुंदर, जो बहुत खूबसूरत है उसे अभिराम बोलते हैं, अविराम बिना रुके हुए। इस प्रकार शब्दों के आप अर्थ लिख लेंगे। दिए गए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखना है। देखिए तद्भव शब्द और तत्सम शब्द, आप जानते हैं कि तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं और तद्भव शब्द उनका बदला हुआ रूप है, मतलब बोलते बोलते जो सामान्य भाषा के प्रचलित शब्द हो गए हैं। उछाह का तत्सम शब्द है उत्साह। गधा, गधा का तत्सम शब्द है गर्धभ। अमावस, अमावस का तत्सम शब्द है अमावस्या। थन, थन का तत्सम शब्द है स्तन। नखत, नखत का तत्सम शब्द है नक्षत्र। और पड़ोसी का तत्सम शब्द है प्रतिवासी। तो इस प्रकार आप तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिख लेंगे। अगला देखें, समान तुक वाले शब्द सोचकर लिखने हैं। चालक, गंदी, लायक, नया, पूर्ण, पक्ष, धोबी, देर, आप समान तुक वाले शब्द आप अपने आप से ढूंढ कर लिख लेंगे जिनका जो अंतिम अक्षर है वो एक जैसा हो, एक जैसी ध्वनि हो, राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो समान तुक वाले शब्द होते हैं, उन्हें आप लिख लेंगे। अगर आपको कोई समान तुक वाले शब्द ढूंढने में दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमसे पूछ लेंगे, हम बता देंगे। थोड़ा सा प्रयास आप भी कीजिए, क्रिएटिव स्किल में देखें। दिया गया पाठ एक लोक कथा है, और आपने अगर कोई अन्य लोक कथा पढ़ी या सुनी है तो आप उसे दूसरे लोगों को सुनाएं, अपने दोस्तों को सुनाएं, अपने भाई बहन को सुनाएं, और लोक कथा को संवाद के रूप में लिखना। संवाद का मतलब एक नाटक के रूप में लिखना है। यहाँ पे एक गुरु जी बनाए, उनके शिष्य बनाए, कैसे मतलब कैसे वो बोलेंगे, कैसे वो ढूंढ के लाएंगे सामान, क्या बोलेंगे, तो इस सबको आप सोच के उनके सेंटेंस लिखें, तो वो संवाद के रूप में हो जाता है। राक्षस की पत्नी का चरित्र चित्रण करो और साथ ही उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो राक्षस तो कैसे होते हैं आप जानते ही हैं, तो उनकी पत्नी कैसी थी, उसका स्वभाव कैसा था, तो उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो आप उनके बारे में अगर आप लिखते हैं उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका पाठ 13 तारा और सात भाई पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला पाठ चावल की रोटियां पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एक्टिविटी में आप वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्य काल के लिए चार चार वाक्य बनाकर लिखेंगे। आप वर्तमान काल की क्रिया से चार वाक्य बनाएंगे, भूतकाल की क्रियाएं लेके उससे चार वाक्य बनाएंगे, और इसी प्रकार भविष्य काल की भी चार क्रियाएं यूज करेंगे अपने वाक्यों में। होमवर्क में राक्षस का स्वभाव कैसा होता है, इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखेंगे। कहानी के आधार पर आप समझ ही गए होंगे कि राक्षस का स्वभाव कैसा होता है।
वो सब एक अनुच्छेद में आप लिखेंगे। और पेज नंबर 80 पर एक्सरसाइजेज हैं, वो आप अपनी नोटबुक में भी कर लेंगे और बुक में भी उन्हें फिल कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।